सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं अभिनव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2018 से रिलेटेड वहां पर जितनी भी करंट न्यूज है, इसके अलावा इससे रिलेटेड वहां पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसी वीडियो में। तो ऐसे में इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपसे वहां पर लास्ट में एक क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हेडलाइन से वह जीएसटी की जो रेवेन्यू है वह 1,00,000 करोड़ के पार चली गई है। ऐसे में बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन के अंतर्गत तो यह जो है अक्टूबर 2018 तक यह 1,00,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो कलेक्शन अक्टूबर 2018 में आया, अक्टूबर 2017 के रिस्पेक्ट में यह 83,346 करोड़ था जो कि 20.8% की वृद्धि के साथ अब जो है यानी अक्टूबर 2018 में यह टैक्स कलेक्शन 1,00,000 करोड़ तक का हो चुका है। इसके अंतर्गत जो राज्य निर्धारित सेवाओं पर एकत्रित कुल कर है, ऐसे में इसके अंतर्गत जो है पहला स्टेट वहां पर केरल रहा जहाँ 44% जो है वहां पर टैक्स जो है वहां पर निकाला गया। इसके बाद बात करते हैं तो अगले नंबर पर वहां पर झारखंड, फिर राजस्थान और फिर उत्तराखंड रहा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर तो एमसी मैरीकॉम को जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत जो वहाँ पर एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सर हैं उनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो इंडिया वहां पर होस्ट करेगा 10th edition ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि 15 नवंबर से भारत में ही शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं वहां पर तो इस साल यानी कि 2018 से पहले भारत 2006 में भी जो है वहां पर वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। इसके बाद बात करें आगे अगले न्यूज की तो अगला जो यहाँ पर हेडलाइन से हमारा वह सौर्य जल निधि स्कीम जो यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो वहां पर सौर्य जल निधि स्कीम जो है वह 30 अक्टूबर की इसकी शुरुआत की। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है किसानों द्वारा भूमि सिंचाई करने में मदद करने के लिए सौर ऊर्जा का वहां पर उपयोग में वहां पर वृद्धि की जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 5,000 सोलर पंप्स है वो वहां पर उड़ीसा के किसानों को दिए गए हैं 90% सब्सिडी पे ताकि वह अपने जो है वहां पर 2500 एकड़ जमीन जो है उसकी वहां पर खेती कर सके, ठीक है। इसके बाद तो यहां पर से ये इम्पोर्टेंट है कि सौर्य जल निधि स्कीम कहां शुरुआत की गई, तो उड़ीसा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आगे चलते हैं यहाँ पर तो पीएम ने लॉन्च किया है सपोर्ट एंड आउटरीच इनिशिएटिव, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 नवंबर को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट एंड आउटरीच पहल की शुरुआत की है, ठीक है। यह 2 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। बात करें तो इसके अंतर्गत जो वहां पर देश भर में यह तकरीबन 100 दिनों तक संचालित किया जाएगा वहां पर एमएसएमई सपोर्ट एंड आउटरीच इनिशिएटिव। इसके बाद बात करें आगे तो भारत ने जो अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है तो रिसर्चर्स के द्वारा वहां पर आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा वहां पर इसे डिजाइन और बूट किया गया है। यह भारत का पहला अपना माइक्रो प्रोसेसर होगा जिसका नाम यहां पर दिया गया है शक्ति। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो है यह मुख्यतः जो है इसका उपयोग जो है वायरलेस सिस्टम और नेटवर्किंग सिस्टम में वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसे जो यहाँ पर तैयार किया गया, इसका जो निर्माण किया गया है वह SCL यानी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी और इसरो चंडीगढ़ में जो है इसका फाइनल वहां पर उसे निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर वन लाइनर्स करंट अफेयर की। तो जम्मू कश्मीर के जो बॉलर है मोहम्मद मुदाशिर वह क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने वहां पर 4 विकेट्स लिए हैं 4 गेंदों पर, ये 4 विकेट्स LBW के रूप में लिए हैं। इसके बाद बात करें आगे तो वहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां पर जो क्रैकर्स जलाने के लिए जो टाइमिंग वहां पर फिक्स की है ना वो है 6 से 7 बजे सुबह में और 7 से 8 बजे शाम में, ठीक है। एक वहां पर फिक्स टाइमिंग वहां पर अलॉट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं तो राहुल द्रविड़ ने वहां पर रिसीव किया है ICC हॉल ऑफ फेम कैप
सुनील गवास्कर से। आगे चलते हैं तो बाइजूस जो है वो भारत की चौथी मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के रूप में उभरी है। इसके बाद बात करें आगे तो आरएसएस के इकोनॉमिक विंग हेड ने वहां पर उजित पटेल को सीधा सीधा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि या तो वो कार्य करें गवर्नमेंट के साथ या फिर अपना कार्य छोड़ दें। अब बात करते हैं यहाँ पर जितने भी इससे रिलेटेड वहाँ पर करंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को, तो ऐसे में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह सौर्य जल निधि स्कीम कहाँ किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, तो आंसर होगा उड़ीसा। इसके बाद बात करें किसे वहां पर हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम का कैप वहां पर दिया है सुनील गवास्कर ने, तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। पहला माइक्रोप्रोसेसर का नाम क्या है, शक्ति। ओडिशा के सीएम वहां पर नवीन पटनायक हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो ऐसे में क्रिकेट इतिहास के पहले बॉलर जिन्होंने 4 LBW विकेट्स लिए हैं 4 गेंदों पे, यह कौन है, मोहम्मद मुदासिर। इसके बाद बात करें आगे तो वहां पर हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैरी कॉम है, एमसी मैरी कॉम। इसके बाद जो 10वां एडिशन होना है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का, इसको होस्ट कौन करेगा, तो यह भारत इसको होस्ट करेगा। ऐसे में आज का हमारा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा सवाल है आपको बताना है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर कौन है। इसका आंसर आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आए होगी। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, और यदि नए हो तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।